एक बात तो तय है कि इस घर में रणधीर का रिश्ता होगा तो किरणबाला से, वरना किसी से नहीं। बड़ी मेहरबानी आप लोगों ने यहां आने की तकलीफ की, पर अब ना मैं तकलीफ दूंगा और ना तकलीफ लूंगा। आप लोग जा सकते हैं। कमाल है भाई साहब, आपने तो पूरी बात हम पर ही डाल दी। एक बार भी अपनी बहन से नहीं पूछा कि उसने हमारी बात आप तक पहुंचाई क्यों नहीं। हम किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे, इसलिए अपने दिल की बात आपसे साफ साफ कहने आए थे, लेकिन मोगर ने कहा कि आपसे बात करेंगे तो बात बिगड़ जाएगी और बात करने की जिम्मेदारी इसने ली और हमें जाने को कहा और हम चले गए। आप मेनू के बीच में फंसा रहे हो, मैं की कित्ता? मोगर, तो किरण बाला दी सौं खा के बोल, भाई साहब झूठ बोल रहे हैं। मैं क्या करती? मेरे स्वर्गवासी पति को दिया हुआ वचन तोड़ रहे थे, मेरी किरण बाला से रिश्ता तोड़ रहे थे, और मैं विधवा हूं। अपने प्राजियों के घर पर रोटियां खाती हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है, पर मैं एक माँ भी हूं। उस पल मुझे जो ठीक लगा मैंने कर दिया। सारी गलती मेरी नहीं है, गलती है आपकी बेटी अमृत की। इसको पता था कि किरण के लिए रणधीर का रिश्ता आया है, और फिर भी इसने डोरे डाले उस पे, उसके साथ नैन मटक्का की। ओए की बकवास कर दिया तू मोगर, सोच के बोल। पूछ लो, सामने ही खड़ी है, अपनी लाडो रानी की लिखावट तो पहचान लोगे ना। ये देखो, की लिखा है तुहाडी लाडो रानी ने। ब्रिज पढ़े लो। उच्ची आवाज में पढ़। और ये क्या पढ़ेंगे? वही लिखा है जो मैं कह रही हूं। पूछ लो, पूछो इससे, इसने ये चिट्ठी लिखी थी कि नहीं। इस तस्वीर पे पैरों तले रौंद दे अपने पुरखों की तस्वीर को, जिनके आदर्शों पे चल के मैंने इस घर के कायदे कानून बनाए।
फूंक दे ले जाके चूल्हे में। मैं क्या जी, चिट्ठी तो इसने रणधीर की गलतफहमी दूर करने के लिए लिखी थी। इसने सिर्फ ये लिखा था कि रणधीर की सगाई किरणबाला के नाल होने वाली है, इसके नाल नहीं। हमरो बता दे अपने बाबूजी नो, बता दे कि तेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है, तू नहीं करना चाहती व्याह रणधीर दे नाल, बता दे, बोल। अमृत सहानी, मैं रणधीर रायजादा आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। काश ये बात मैं उसे खुद कह पाती। ओदी अखा चे अखा पाके की काश मैं कह पाती कि मैं प्यार कर दिया। अमृत, मेरे लिए ना आपकी हां जरूरी थी, अब आप मान गई तो आपके बाबूजी को भी मैं मना लूंगा। बाबूजी, करना चाहती हूँ मैं विवाह रणधीर शहजादा से। आशीर्वाद के बिना नहीं। हाँ बाबूजी, ये सच है कि मुझे रणधीर अच्छे लगने लगे हैं, पर मैंने कभी भी किरण का हक मारने की कोशिश नहीं की। मैंने सच में ऐसा लगा था बाबूजी कि आप मान गए हैं, वरना मैंने तो अपने कदम बहुत पहले रोक लिए थे। ये झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। और सच तो ये है कि जिस दिन इन्हें पता चला कि किरण बाला का रिश्ता रणधीर के लिए आया है, ये जल बुन गई। और उसके बाद इसने डोरे डालने शुरू किए रणधीर रायजादा पे। पता, बस कीजिए बुआ जी, ये क्या बोले जा रही है आप। लाला जी, जब जब मैंने अमृत से अपने दिल की बात करने की कोशिश की, उसने हमेशा अपने बड़ों का वचन का वास्ता देके मुझे रोक दिया। अपने घर वालों से बात करने का, आप लोगों को शादी के लिए मनाने का, यह फैसला मेरा था। इसमें अमृत जरा सी भी शामिल नहीं थी लाला जी, बल्कि अमृत की बातें, इनका अंदाज़े बयान सबसे मोहब्बत हो गई थी मुझे। और लाला जी, मैं अपने घर वालों से बात करने के लिए खुद को नहीं रोक पाया। ओए रब 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 रब। और जब बच्चे अपने माँ बाप के सामने, बड़ों के सामने प्यार मोहब्बत की बातें करने लग जाए तो समझो बेड़ा गर्क है। रणधीर पुत्र, ये तू नहीं बोल रहा, ये अमृत की जुबान बोल रही है। जादू कर देता है इस लड़की ने। इन्हें बताओ, हम सब इस घर में थे, किसी नु पता चला कि इसके मन में क्या है? किसी नु पता था? बता, पूरे घर में किसी को पता था? पर जाई, तोनु पता था? तोनु पता था? जी, मैंनु पता था। है
मैनू पता था, मैनू मालूम सी कि अमृत रणधीर साहब को प्यार करती है। ताई जी और ताई जी के मुंह से मैंने रिश्ते की बात सुनी तो मुझे लगा रणधीर साहब और अमृत के रिश्ते की बात चल रही है। बस इसी को खुशखबरी मानकर मैंने ये बात जाकर अमृत को बता दी। जी मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ, ये सारी गलतफहमी की वजह मैं हूँ। अमृत के दिल में अगर किसी भी तरह की उम्मीद जगी है तो वो मेरी गलती की वजह से। अमृत बेचारी का कोई दोष नहीं है जी। क्यों तुम सब मिलके मेरे भरोसे मेरे विश्वास को गलत साबित कर रहे हो? क्यों? दादी और चढ़ाओ इनको सर पे, लेकिन आज पहली बारी इसकी किसी बात पर मैं सहमत हूं। कहनी बड़ी बेवकूफी यही कर सकता है। प्राजी, आपको लग रहा होगा कि मैं खेल खेल रही हूं, लेकिन असली खेल तो इस अमृत ने खेला है। शुरुआत से खेला है, इसे सब पता था। उसे मैंने वचन दिता और ये देखो तुहाडी बेटी की कर रही है। आज मेरी किरणबाला खून के आंसू रोई है, जिसकी इतनी बेइज्जती हुई है क्योंकि क्योंकि उसके कोई बाजी नहीं है ना। उसकी माँ सारा कसूर तुहाडी बेटी का है, समृद्ध का है, इस समृद्ध का। मुझे नहीं लगता आज रोका होने वाला है। हाँ लगता तो ऐसा ही है। भौजी मेरा यकीन करो, मैंने कोई खेल नहीं खेला है, कोई साजिश नहीं की है मैंने। मैं तेनू क्या सी ना कि रिश्ता किरण दे वास्ते है, फिर भी तूने रणधीर से प्यार किया। किया ना, किया ना। सच्ची सच्ची जवाब दे, सच्ची। इसका मतलब है सारी गलती मेरी है, परवरिश दी है। मुझे पग सिर ते रखने का कोई हक नहीं। रंजन की कहानी सुनने पे मैं तेरे से नाराज हुआ था, तो तूने क्या सी कि मैं कहानियां जरूर सुनती हूं पर कहानी वाली हरकत नहीं करूंगी, क्योंकि मैं आपके संस्कारों की इज्जत करती हूं। आज पता चला कि तूने झूठ बोला था मेरा दिल रखने के वास्ते।
हाँ, आप लोग जो सोच के आए हो उस दी इजाजत मैं बिल्कुल नहीं देनी। माफ कीजिएगा लाला जी, पर आपको मुझसे तकलीफ क्या है? जी, मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ, वो मुझे पसंद करती है, घर परिवार आपकी पसंद का है, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं आपकी बेटी को जिंदगी भर बहुत खुश रखूंगा। लाला जी, बेटी की खुशी से तो नहीं है ना बढ़ के कोई वचन? वचन हमारी संस्कृति का, हमारे शास्त्रों का हिस्सा है। प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये सोच हमें विरासत में मिली है। तुम नई पीढ़ी के लोग आज अगर एक वचन का मान नहीं रख पाए तो सात वचन का मान क्या रख पाओगे? रखूंगा, सातों वचनों का मान रखूंगा, क्योंकि लाला जी वो वचन मैंने दिए होंगे। मेरे ऊपर थोपेने गए होंगे। ये है तुम्हारे मन में बड़ों के लिए इज्जत? लाला जी, आपके विचारों से सहमत ना होने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी इज्जत नहीं करता। अगर इज्जत और प्यार ना होता ना, तुम्हें इतने हक से अपने दिल की बात अपने बाबूजी और अपने मम्मी जी से नहीं करता, ना ही आपसे करता। लाला जी, आप बड़े हैं जी, आपसे तो बहुत कुछ सीखना है हमें। बस मैं इतना चाहता हूं कि आप एक बार अपने बच्चों की, अपनी अमृत की खुशियों के बारे में सोच के तो जरा देखिए कि अमृत भी मुझसे कितना प्यार करती है। लाला जी, अगर प्यार करना गलत होता तो लोग भगवान राधा और कृष्ण की पूजा नहीं करते, जगह जगह उनके मंदिर नहीं बनाते। फिर हिम्मत कैसे हुई बाबूजी से इस तरीके से बात करने की? छोड़। वश्मा जी, माफ कर दे अपने वीर को। एक बार एहसास नहीं हुआ तेरे इस वीर को कि उसकी बहन की नालातों से गुजर रही है, क्या बीत रही है उसके ऊपर? वो तेरा ये पागल वीर ना सिर्फ अपने ही बारे में सोचता रहा, एक बार नहीं पूछा कि उसकी छोटी बहन को उसकी जरूरत है या नहीं है। और पूछना क्या था? सीधा रणधीर को इस सगाई की सच्चाई के बारे में पता लगवाने में मदद करनी चाहिए थी। वो गलती हो गया यार, गलती होगी, माफ कर दे अपने वीर को, माफ कर दे यार। वश्मा, आप लोग भी जाइए यहां से। जो जिल्लत आपने हमें दी है उसे झेलने के लिए हमें खामोशी चाहिए। जिल्लत आप लोगों ने दी है हमें। गलती सारी आपकी बुआ जी की थी।
हम कोई ऐरे गहरे नहीं है जो उठाकर मुंह चले आए हैं। कराची के सबसे ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखते हैं। 100 मील दूर से भी रायजादों का पता पूछेंगे ना तो घर छोड़ने तक की जिद कर बैठेंगे। वो तो हम अपने बच्चे की खुशी के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन आप लोग तो कुछ ज्यादा ही अकड़ दिखा रहे हैं। मम्मी जी प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। मैं बाहर हॉल में इंतजार कर रही हूँ। रोका करने आई हूँ तो रोका करके जाऊंगी। चलो जी। जाओ। क्या हुआ? शगन पूरा होने तक रुकते नहीं है। बजाओ ढोल। अब रोने का वक्त नहीं है, रोके का वक्त है रणधीर रायजादा के साथ। शादी तो तेरी उसी से ही होगी, मेरी तरह कल्ली नहीं रहेगी तू। वैसे इसने मेरे साथ पहले नाइंसाफी कर रखी है। तेरे बाबू जी का सारा धंधा चौपट हो गया था, कोई पैसे वैसे नहीं थे, तब भी मेरे दोनों भाइयों को एक बार भी नहीं लगा कि उन्हें घर जमाई बना ले। पर से कहने लगे वहीं जा, उसी घर में रह, वही तेरे घर वाले हैं। तेरे बाबूजी के मरने के बाद में मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे निकाल दिया। छोटी सी थी तू, कितने जाती तभी इन लोगों के साथ रहने लग गई, जी हजूरी करने लग गई इनकी। पर तू नहीं करेगी, तू राज करेगी, रानी बनेगी तू। तेरे बाप ने मरते मरते एक अच्छा काम कर देता, तेरा व्याह पक्का कर दिया रणधीर रायजादा के साथ। अब तू नहीं रोएगी, अब रोने का वक्त है उस अमृत का। देखते देखते रणधीर तेरा हो जाना है। पर कैसे बीजी? बदनाम होके मथे पे कलंक कभी कभी मांग का सिंदूर भी बन जाता है। अगर ये चुन्नी रणधीर रायजादा के सामने गिरे तो वो क्या करेगा? वो ऐसा कभी नहीं होने देंगे। अरे वही तो, रणधीर रायजादा जैसे अच्छे लोगों की कमजोरी होती है, वो होती है उनकी अच्छाई। देखा नहीं तूने, अमृत की जब इज्जत पे बात आई तो प्राजी के सामने खड़ा हो गया था, उनसे भिड़ गया। अब तेरे साथ बदनाम होगा तो तेरे साथ तो जरूर खड़ा होगा। अब बदनाम होके ही इज्जत पानी पड़ेगी, और वैसे भी कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। रणधीर रायजादा वचन निभाए ना निभाए, मगर अपनी शराफत की कीमत तो जरूर चुकाएगा। रब 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 रब। रणधीर पुत्र, रणधीर पुत्र, अच्छा हुआ तू मुझे यहीं मिल गया, मैनू तेरी मदद चाहिदी है। बेटा मेरी बात तो सुन, किरण बाला बहुत रो रही है, रोई जा रही है, रोई जा रही है।
तेनु व्याह नहीं करना उसके नाल, मत कर। अगर उसको समझा तो दे। मुझे बड़ा डर लग रहा है कहीं वो उल्टा सीधा कुछ ना कर दे। मैं भी उसको समझा सकती हूँ, मगर तू जैसा समझदार बंदा समझाएगा तो वो समझ जाएगी। एक माँ तुझसे कह रही है, विनती कर रही हूँ, मेरी बेटी को बचा ले। पुत्र मान जा। ओ, मैं प्राजी को बता देती हूँ। हाँ रब रब रब। अमृत, मैंने सही किया ना जो मैं नहीं करना चाहती थी। हमने बाकी को नाराज कर लिया है, मैंने उनका दिल दुखाया है। अमृत ये सब याद और प्यार दुलार दिया किस दिन के लिए? मुझे पढ़ाया लिखाया किस दिन के लिए? मेरी पढ़ाई पूरी की किस दिन के लिए? अमृत राजन की कहानियों में बड़ी हिम्मत वाले किरदार लिखे ना मैंने, जिन्होंने सही गलत के लिए अपने परिवार के सामने अपनी आवाज उठाई। और आज जब मैं खुद इस मोड़ पर आकर खड़ी हूँ तो पता चल रहा है कि कितना फर्क होता है लिखने में और जीने में। पता चल रहा है कि परिवार से बढ़कर और कुछ नहीं है इस दुनिया में। अपने घर वालों को दुख देकर खरीदा गया ये सुख बहुत ही घाटे का सौदा होता है। अमृत, अमृत मेरी बात तो सुन। आज पता चल रहा है कि असल जिंदगी की लड़ाई में जीत हमेशा अमृत की ही होती है, रंजन की नहीं। मैंने बाऊजी से माफी मांगनी है। जब तक वो प्यार से मेरे सर पर हाथ नहीं रखेंगे मैनू चैन नहीं मिलेगा। मैं वो भी गुस्से में अमृत, वो तेरी बात नहीं मानेंगे। मैंने उन्हें अपनी कोई बात नहीं मनवानी है वशमा, मैं बस उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। बाबूजी की खुशी के लिए मेरी खुशियां 100 बार कुर्बान, 100 बार कुर्बान। अमृत, अमृत तेरी सांस फूल रही है, रुक मैं पानी लेके आती हूँ। जैसे ही रणधीर जी इस कमरे में आएंगे अपनी चुन्नी यूं नीचे गिराऊंगी और उनकी बाहों में गिरने का नाटक करूंगी। हाय अमृत, अमृत होश में। अमृत, अमृत ये ले पानी। अमृत, मैं उदय को बुला के लेके आती हूँ। जी अमृत, अमृत अमृत आंखें खोलो। अमृत, अमृत,
अमृत 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 आके खोलो अमृत बसंत का प्रेम ये तो वही डायरी है जो पहली बार हम दोनों को इतने करीब खींच के लाई थी राजन राजन छोड़िए रांझन से मिलवाने का वादा कर लीजिए अब वादा निभाते हुए आपको रांझन से मिलवाना ही पड़ेगा रांझन बेचारी बहुत शर्मीली है वो अपने शर्म के पर्दों से कुछ देर के लिए बाहर आएगी आपसे मिलेगी और फिर अपनी तन्हाई में वापस चली जाएगी वो खुशनसीब रांझन जिसे आप ढूंढ रहे वो रांझन मैं ही हूं आप रांझन हैं रांझन है वो रांझन जिसकी लिखाई का मैं कायल हूं वो रांझन जिसकी हिम्मत का मैं मुरीद हूं वो रांझन किरणबाला ने झूठ कहा कि वो रांझन है और आप खामोश इसलिए रही क्योंकि मेरा रिश्ता उसके लिए आया था अब आपको पाना मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि आप मेरी अमृत भी हैं कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो क्या कहना है क्या सुनना है
तुझको पता है, तुमको पता है, समय का ये पल थम सा गया है। राजी राजी, अमृत मेरी भी बेटी है और बचपन से लेके आज तक उसने हमेशा आपकी खुशियों, आपकी इज्जत का हमेशा मान रखा है। उसने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपको दुख पहुंचे। जरूर उससे कोई गलती होगी होनी है। राजी दे दो उसको उसकी खुशियां। माना रणधीर नई सोच का मुंडा है, आज का मुंडा है वो, लेकिन अपनी अमृत को बहुत चाहता है और एक दिन अमृत की शादी तो होनी है। तो ऐसे मुंडे के नाल क्यों नहीं जिसका खानदान अच्छा है, जो अपनी अमृत को पसंद करता है, अपनी अमृत उसको पसंद करती है, वो अपनी अमृत को सारी खुशियां देगा। और देखो ना प्राची, वो लोग तब से बाहर बैठे हैं, बिना रोका किए नहीं जाएंगे। अब बात इज्जत की है। मैं क्या जी, आज अगर सबको पता चल गया है कि रणधीर किरणबाला को नहीं अमृत को पसंद करता है, तो हमारे अमृत का नाम ना खराब हो जाना है। मैं नहीं चाहती कि मेरे अमृत का दिल टूटे, उसके दामन पे कोई भी दाग आए। अमरू ने आज तक जो कुछ भी किया है ना, मर्यादा के दायरे में रहकर किया है। उसे कोई भी गलत फहमी भी हुई है ना जी, तो सच जानने के बाद उसने अपनी जुबान से एक शब्द भी नहीं निकाला है जी। ओ रब रब रब, ओ नया सप्पा देखो, ओ मैंने रणधीर को मना किया कि ऊपर मत जा मत जा, ऊपर ही चला गया है। न जाने उसके मन में क्या है। ओ प्राजी चल, ओ चल तू चल, देख क्या हो रहा है ऊपर। ओ की सप्पा पे गया है। सब ठीक हो जाएगा अमृत, मैं हूं ना। नहीं, सब सब खत्म हो गया है, अब भूल जाओ अमृत को। मैं सांसें लेना भूल सकता हूं, लेकिन तुमको नहीं। आई लव यू। राजी आ जाओ, लो देख लो, खुद ही देख लो। हाय रब्बा, रणधीर और अमृत एक साथ। किरणबाला के साथ रोका करने आया था ना ये रणधीर, तो फिर ये अमृत के कमरे में क्या करने आया होगा जी? अमृत का दिल आ गया अपनी बहन के दूल्हे पे। क्या करे, मुंडा ही इतना सोना है। सोनी तो कुड़ी भी है जी, पर क्या पता मुंडे का ही दिल आ गया होगा अपनी होने वाली साली पर। वो अमृत ना अचानक से बेहोश हो गई थी। बेहोश हो गई थी या होश खो बैठी थी? Thank you.
जय राजरानी। रस्म अधूरी नहीं छटी जाएगी। रोका आज और अभी होगा। अमृत रंधीर का For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.